मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनेट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जो भी वीर कुंवर विश्वविद्यालय के छात्र हैं 2020-23 में नामांकन BA BSc BCom में लेना चाहते हैं, तो वीर कुंवर विश्वविद्यालय ने कल देर शाम से आपका डॉक्यूमेंट जो भी है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जनरल है तो EWS, बना है तो EWS, जाति प्रमाण पत्र, माइग्रेशन है तो माइग्रेशन, ये सब का अपडेट करने के लिए कल देर शाम से ही नोटिस जारी किया था। मॉर्निंग में एक वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया था कैसे आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने मोबाइल से ही पूरा डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिए। लगभग 130,000, देखिए 130,000 बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, और मात्र मतलब सुबह वाले वीडियो में 2 से 3 हज़ार बच्चे देखे हैं। तो वीडियो को जितना हो सके छात्र हित में शेयर कीजिए, जिससे एक एक छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके। विश्वविद्यालय ये बीच में लाया है जिससे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता लग पाएगा और ये निकल भी जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन नामांकन के लिए कवायद तेज करेगा BKC वाला, इसलिए आपका डॉक्यूमेंट मांग रहा है क्योंकि सत्यापन कर ले। तो आप लोग डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो इस बार इंटर पास किए वो कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा तो मार्कशीट ही नहीं मिला है। तो आप लोग को जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है उसको ही डालना है। इस वीडियो में एक बच्चे का हम करके दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर मैं URL नंबर भूल गया हूँ, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, कैसे उसको रीसेट करूँगा। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, अगर आप URL नंबर और पासवर्ड भूले हैं तो आपको सिंपल कुछ स्टेप फॉलो करना है, आपको मिल जाएगा। एनी टाइम पढ़ाई मंत्र आपका एक एक बातों का कंसर्न रखता है, तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर लाइक करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है BKSU। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा BKSU.ac.in तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन एडमिशन UG सेशन 2020-21 पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है, और होम पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपका पासवर्ड भूला है, तो आप पासवर्ड को कुछ स्टेप फॉलो करके ले सकते हैं। तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो इस बार इंटर पास किया है वो छात्र का फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे। तो एप्लीकेंट लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें आपको नीचे आना है, और जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है रीसेंट लॉगिन पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हाई स्कूल रोल नंबर डालना है, मतलब 10th का रोल नंबर डालना है, और कैसे डालना है तो रोल कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद हाइफन, उसके बाद रोल नंबर डालिएगा। CBSE वाले अपने स्कूल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे, बिहार बोर्ड वाले रोल कोड डालेंगे। चलिए यहाँ पर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रोल कोड डालते हैं 50167। इसके बाद आपको हाइफन डालना है, और हाइफन डालने के बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल लेना है 7116795। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th पासिंग ईयर डालना है, 10th कब पास किए हैं, तो ये 2018 में ये स्टूडेंट पास किए हैं तो 2018 सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद जिस बोर्ड से आप हैं बोर्ड सेलेक्ट करना है, ये CBSE से हैं तो यहाँ पर ये रहा CBSE सेलेक्ट कर लीजिए, बिहार बोर्ड वाले ऊपर में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का रोल नंबर डालना है, कैसे डालना है तो सबसे पहले रोल कोड, उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है। तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का सबसे पहले रोल कोड डालना है, तो यहाँ पर इनका रोल कोड सबसे पहले हम लोग डाल दिए, उसके बाद हाइफन डालना है, हाइफन डालने के बाद यहाँ पर इनका रोल नंबर को हम लोग को डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर ये कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट कब पास किए हैं, तो ये 2020 में पास किए हैं, डाल दिए। इसके बाद ये वाला कैप्चा को यहाँ पर डालना है, चलिए डालते हैं CN BC 9A। इसके बाद आपको यहाँ पर गेट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप
यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले हैं, वहाँ पर आपका पासवर्ड चला जाएगा। वहाँ से पासवर्ड लेके यूआरएन नंबर यूजर नेम लेके लॉगिन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अगर ये भी नहीं हुआ तो आपको भीके एससी को मेल करना है। किसको करना है मेल? भीके एससी को, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को मेल करना है। कैसे मेल कीजिएगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जीमेल पर जाना है। चलिए आपको एक डेमो दिखा देते हैं जीमेल पर जाके। तो आपको जीमेल ऐप खोल लेना है, जो भी जीमेल है आपका। उसके बाद यहाँ पर टू में लिखना है vkasu@helpenable। स्पेलिंग देख लीजिएगा, vkasu@helpenable.com। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है UG न्यू एडमिशन। उसके बाद यहाँ पर आप यूआरएन नंबर, जो भी आपका यूजर नेम है, डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा पासवर्ड फॉरगेट, यूजी न्यू एडमिशन यूआरएन नंबर पासवर्ड फॉरगेट। और यहाँ पर नीचे में लिखिएगा अपना नाम लिख दीजिएगा, मान लीजिए जो भी आपका नेम है ऐसे लिख दीजिएगा नेम, और यहाँ पर नेम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यूजर नेम जो भी आपका है, उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड देने की कृपा करें। क्या लिखिएगा? पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड देने की कृपा करें। और ये यहाँ पे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये मेल आपको VKSU को चला जाएगा। 2 से 3 दिन वेट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं यूनिवर्सिटी को, 2 से 3 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा और यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। अब चलिए, एक बच्चे ने इस बार इंटर पास किया है जिसका मार्कशीट नहीं मिला है, इंटरनेट वाला मार्कशीट है, उसको अपलोड करके आपको बताते हैं। तो जिनका पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड को ऐसे लेना है, मान लीजिए जो ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं जो अपना यूआरएन नंबर ही भूल गए हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो यहां पर देखिए साफ लिखता है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश आवेदन पत्र पहले ही भर लिए थे, वे पुनः लॉगिन कर अपने समस्त दस्तावेज तथा अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र इत्यादि को अविलंब अपलोड कर दें। लास्ट तारीख आपका 20 जुलाई है। जितना हो सके छात्रहित में शेयर कीजिए। लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे, तो इस वीडियो को जितना हो सके छात्रहित में शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन रिलेटिव फॉर्म भरें VKSU से, उनको बता दीजिएगा। तो देखिए, जो पासवर्ड भूल गए हैं उनको कैसे करना है मैंने बता दिया, अब जो यूआरएन नंबर यूजर नेम भूल गए हैं वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहां पर यूजी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किसका? 12th का, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th का। चलिए, ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड यहां सेलेक्ट कर लिए। यहां पर आपको 12th का पासिंग ईयर, किस साल पास किए हैं, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। 2020 में पास किए हैं ये स्टूडेंट, तो यहां पर 2020 इंटर कर दिए। यहाँ पर आपको 12th का रोल नंबर डालना है, लेकिन याद रहे रोल कोड के बाद हाइफन लगा के ही रोल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। चलिए, यहाँ पर रोल कोड सबसे पहले डालते हैं 13005, उसके बाद हाइफन लगा दीजिए, उसके बाद रोल नंबर डालिए 200010325, और इसको यहाँ पर दोबारा आपको जो डाले हैं रोल कोड रोल नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने 12th का रोल कोड रोल नंबर दोबारा डाल दिया। अब ये वाला जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चलिए डालते हैं, तो Capital N Capital W 6 Capital R 3 5, और यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है यस आई एग्री टू अबव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर आपको क्लिक किया, तो जैसे ही आप प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आप फॉर्म भर दिए होंगे, तो ऐसा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर देखिए ये रहा, ये बगल में आपका दिखेगा। तो ऐसे आपको यूआरएन नंबर ले लेना है, और कैसे पासवर्ड लेना है ये मैंने बता दिया कि अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट कैसे करना है। अगर वो भी नहीं हुआ तो VKSU को मेल कर देना है, 2 से 3 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब चलिए, अगर आप इस बार इंटर पास किए हैं और ऑनलाइन मार्कशीट है आपका, तो उसको कैसे अपलोड करना है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर चलिए फिर से रिफ्रेश करते हैं, VKSU के वेबसाइट पर जाते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग VKSU के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर अब इसमें आपको नीचे आना है और एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। चलिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए नीचे आना है, नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए पूरा डिटेल्स को भर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपका यहाँ पर फोटो है,
यहाँ पर आपका सिग्नेचर है और यहाँ पर आपको हाई स्कूल का मार्कशीट को डालना है, मतलब टेंथ का जो मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर का मार्कशीट डालना है, मतलब आप इस बार ट्वेल्थ पास किए हैं और आपको मार्कशीट तो मिला नहीं होगा, कोई को नहीं मिला है, तो जो इंटरनेट से निकाले हैं उसी मार्कशीट को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपको माइग्रेशन मिला है तो डालिएगा, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको मिला है वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेगा और वही छात्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और माइग्रेशन डेट डालेंगे। अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपके पास है, मतलब आप BC2 हैं, BC1 हैं, ST हैं, SC हैं, तो आप यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र को अच्छा से रिड्यूस करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप जनरल हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, EWS का सर्टिफिकेट बन गया है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, चाहे टेंथ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, तो उसको 20 KB से कैसे आप रिड्यूस कीजिएगा, क्रॉप कीजिएगा, चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी फ़ोटो अपलोड करना है मार्कशीट का और जाति प्रमाण पत्र का, उसको बढ़िया से फ़ोटो खींच लेना है, उसको स्कैन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कैसे कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो आपका क्रॉप दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप आसानी से इसको क्रॉप कर सकते हैं। जो भी आप फोटो लेते समय आपका अगल बगल का आ गया वो हट जाएगा और यहाँ से आप टिक करके यहाँ से सेव कर लीजिए। चलिए इनका टेंथ का हम लोग क्रॉप कर लिए, अब चलिए इनका ट्वेल्थ का क्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करते हैं, क्रॉप पर क्लिक करके और जो भी इसमें आपका ज़्यादा आ गया है उसको हटा देना है। देखिए यहाँ से इतना दूर रहने दीजिएगा, इंटरनेट वाले मार्कशीट में जहाँ तक फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है वहाँ तक रहने दीजिएगा और ऊपर में यहाँ तक आप जो शुरू का है उसको इतना रहने दीजिएगा। उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपका अगर ये अब हम लोगों ने इसको क्रॉप कर लिया, अब चलिए इसको 20 KB या 20 KB से कम में इसको रिड्यूस करते हैं, उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और टाइप करना है क्यू रिड्यूस लाइट ऐप, क्यू रिड्यूस लाइट, और इसको आपको सर्च कर लेना है। इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिए यही ऐप है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप क्यू रिड्यूस लाइट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और इसको जैसे ही ओपन कीजिएगा तो जो भी फ़ोटो को आपको 20 KB से कम में करना है तो यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक कीजिएगा। चलिए यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ गैलरी से चलिए सबसे पहले हम लोग टेंथ का मार्कशीट को लेते हैं जिसको 20 KB से कम में हम लोग को करना है। यहाँ पर हम लोगों ने मैट्रिक का मार्कशीट ले लिया जिसको 20 KB में अभी अभी हम लोग को कन्वर्ट करना है, इसको क्रॉप किए थे तो यहाँ पर मान लीजिए जितना KB में कन्वर्ट करना है 20 या 20 से कम में आपको करना है तो चलिए इसको 17 कर लेते हैं। और 17 के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है तो ये आपका 17 KB में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और ये देखिए आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये सेव हो गया। तो ये देखिए जो 12th का मार्कशीट हम लोगों ने इंटरनेट वाला क्रॉप किया था वो आ गया। अब चलिए इसको भी 20 KB या 20 KB से कम में आपको कन्वर्ट करना है, चलिए इसको 19 KB में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो स्टार्ट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये भी आपका सेव हो गया ऑटोमेटिक। अब चलिए ये गैलरी में है, अब इसको चलिए वहाँ पर अप्लीकेंट ID, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किए हैं जो BKSU के साइट पर, वहाँ से अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इनका 10th और 12th का मार्कशीट डालेंगे। तो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, ब्राउज पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप जो भी गैलरी में 20 KB से कम में किए होंगे गैलरी में होगा वहाँ से आपको यहाँ अपलोड कर देना है। चलिए यहाँ सबसे पहले इनका 10th का मार्कशीट को अपलोड कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं इनका 10th का ये मार्कशीट है जिसको हम लोगों ने अभी ब्राउज करके गैलरी से लेकर जो 20 KB से कम में कन्वर्ट किया था उसको अपलोड कर दिया है। चलिए यहाँ पर इंटर का इनका जो हम लोगों ने 20 KB से कम में किया है ब्राउज पर जाके गैलरी से लेकर इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका इंटरनेट वाला ही मार्कशीट है और पर हम लोगों ने 10th 12th का इनका मार्कशीट को अपलोड कर दिया है। ये जनरल से बिलोंग करते हैं तो इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और जनरल में ये EWS का सर्टिफिकेट भी नहीं बनाए हैं तो ये कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप
कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास, BC2, BC1, ST, SC है, तो जैसे आप 10th 12th का मार्कशीट अभी हम लोगों ने क्रॉप करके 20 KB से कम में उसको अपलोड किया है वैसे ही आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपके पास EWS सर्टिफिकेट भी है तो उसको 20 KB से कम में क्रॉप करके बढ़िया से अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है PDF को। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा सबसे पहले आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा वीडियो प्रोवाइड करा देगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय का पल पल की खबरें प्रोवाइड कराता है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।